हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं लेकर हूँ आपके लिए लच्छा पराठे की रेसिपी। तो आटा मैंने पहले से ही गूंद के रखा था। तो मैंने गेहूं का आटा लिया था, उसमें थोड़ा अजवाइन और नमक डाल दिया था और आटा गूंद के रख दिया था। फिर मैंने लिया एक छोटी सी लोई बना ली और उसको अच्छी तरह से गोल बेल लिया। फिर उस पर 2 चम्मच जितना मैंने ऑयल लगा लिया। जितना हम ज़्यादा ऑयल लगाएंगे उतनी ही क्रिस्पी हमारी रोटी बन पाएगी, लच्छा पराठा जो बना रही है। तो मैंने उस पर पहले डाला लाल मिर्च पाउडर और डाल ली थोड़ी हल्दी और थोड़ा गरम मसाला और थोड़ा मैंने और नमक ऐड कर दिया। फिर मैंने उसको फोल्ड करके ऐसे रोल की तरह ऐसे गोल गोल घुमाते गई। फिर रोल हमारा बन के रेडी हो गया। रोल बनने के बाद मैंने चाकू की मदद से बीच में से उसको कट कर लिया, दोनों पार्ट को अलग अलग से। तो मैंने रोल कट करके रखा था तो उसमें से एक पार्ट मैंने ले लिया और उसको चकली बनाते ऐसे गोल गोल उसको घुमा कर चकली बनाने लगी मैं। जो दूसरा पार्ट था उसको भी उसके अंदर डालकर मैंने फोल्ड कर लिया चिपका कर। फिर उसको भी उसके साथ में ही गोल गोल घुमा कर बड़ी वाली चकली बना दी मैंने उसकी। और जो छोटा पीस बचा था उसको पीछे नीचे की साइड पे मैंने उसको चिपका दिया। थोड़ा सूखा आटा डालकर मैंने उसको अच्छी तरह से बेल लिया। ऐसे लच्छा पराठे में मैंने कई तरह के बनाए हैं, मेथी पराठा बनाए हैं, धनिया पराठा, कई तरह के मैंने पराठे बनाए। आज मैं बना रही थी सूखे मसाले के पराठे। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तवा मैंने पहले से ही गर्म करके रखा था, उसमें 2-3 चम्मच जितना मैंने ऑयल डाल दिया। जो मैंने पराठा बेल के रखा था उस पर डाल दिया। गैस को हमें थोड़ा स्लो ही रखना है, धीरे धीरे आंच पे हमें इसको पराठे को सेक लेना है। जैसे जैसे हम इसको सेकते रहेंगे वैसे वैसे चम्मच से हम इस पर ऑयल डालते रहेंगे। आपके पास ऑयल, बटर, घी कुछ भी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हम ऑयल, बटर, घी डालेंगे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे लच्छा पराठा। तो देखिए इसके कितने सारे पर निकल आए हैं। तो हमारे मसाले वाले लच्छा पराठा रेडी हो चुके हैं, तब इसको सर्व कर देंगे। तो मैंने एक प्लेट निकाल के रखी है। पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सारे पर निकले हैं। तो मैंने इसे 2-3 पराठे बना लिए थे लंच बॉक्स के लिए। बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं। तो आइए मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। तो पहले मैंने ली थी टमाटर की चटनी और केचप ले लिया था और मेरे पास दही था घर में तो मैंने दही निकाल लिया था। आप इस पराठे को चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अगर आपके पास चटनी नहीं तो आप दही के पास की खा सकते, उसके साथ भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने प्लेट निकाल ली अपनी बच्ची के लिए। उसने तो एक बार खाया तो बोल रही कि मम्मा टिफिन बॉक्स में मुझे यही रोज नाश्ता दिया करो हेल्दी, मुझे ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं मसाले वाले। जब भी उसको कोई भी पराठा बना के खिलाती हूँ तो यही बोलती है वो। उस दिन मेथी वाले बनाया था तभी यही बोल रही थी, आज मसाले वाले बनाए तभी यही बोल रही है। इसको ये पराठे बहुत ही पसंद है। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।